टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब मैं जा रही थी तो उसका मतलब ये था कि ये नहीं जाएगी। ज्यादा मां बनने की जरूरत नहीं है। जो कोठी चला रही है ना, उसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। और तुझे क्या चलो हो रही है, तेरी अहमियत कम हो जाएगी। पाजी सवेरा, कितना जुल्म हो रहा है, बोलती क्यों नहीं हो कुछ? तू बोल रही है ना, और बोल बोल के हलकान हो रही है। कुछ हो गया जो मैं अपनी बकवास करना शुरू कर दूं? अब कुछ सीख ले सवेरा बाजी। सही, हाय हाय, कितनी अकल की बातें करती है। वैसे तो हर वक्त बड़ा बाजी बाजी करती रहती है। तो भी कुछ हया कर ले, इतनी देर तो बंदा जानवर के साथ भी रहे ना तो एहसास हो जाता है उसका थोड़ा सा। हम जानवर थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं, वो भी कोठी में रहने वाले। हेलो गर्ल्स। हेलो। हेलो। मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी कि हमारे टीम में गर्ल्स हाई स्कूल चांदनी बाग की गर्ल्स कंपटीशन के लिए आ रही, और असिस्टेंट कमिश्नर जिनको हमने इनविटेशन लेटर भेजा था उसका जवाब भी आ गया। क्या क्या जवाब दिया उन्होंने? वो जवाब बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आ रहे हैं और हमारे स्कूल को स्पोर्ट्स ग्रांट भी देंगे। और जब ग्रांट होगी तो लड़कियों को अच्छी किट और प्रॉपर पेमेंट भी की जाएगी। आने वाले एक दो सालों में हमारी टीम अंडर 16 में सिलेक्शन के लिए भी जा सकती है, पहले नेशनल फिर वर्ल्ड कप। हमारे साथ कहा करते थे कि बीवी दूसरों की और बच्चे अपने पसंद। बड़ी मजाया भी थे लेकिन सबक सिखाते रहते। एक और बात भी मुझे याद है उनकी। सादिया कहाँ है? तबीयत खराब थी उसकी, ऊपर लिटाया है कमरे में। वैसे जो आंटी है ना, जरा भी शर्म नहीं है ना। तुझे क्या लगी है, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है, दीवार पे ना अपना सर मार मार के ना माथा फाड़ लेगी किसी दिन। छोड़ दे उसके हाल पे। जिस तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन बाजी सवेरा इसके साथ में ये जुल्म नहीं होने दूंगी। सुबल, हम कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। अच्छा, बेबस हैं हम, बेबस। ये हम सोच के बैठे हुए कि हम बेबस हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देख सुबल, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, सामी साहब तुझे यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तेरी मुश्किल ख़त्म हो गई है। लेकिन एक बेवकूफ़ी, एक गलत हरकत तुझे बर्बाद कर देगी, तो दफा मार सबको, अपनी सोच बस। सादिया किस नसीब में जो लिखा है वो भुगत लेगी। हाँ जी सवेरा, सुंबल ड्रिंक्स करें, मैं आपको रिफिल्स भी ला दूं।
बाबा कहाँ पे, मेरे पास और काम ही क्या था, सारा दिन घर बच्चे और ये मुलाजिम, ये तो तुम्हें पता किसी की ना सुनते हैं ना किसी के देखते हैं। एक मिनट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो पीछे गन देख रहे हो कितना ज्यादा है, इसको छोड़ दो और देखो वो हाथों से उठा लो, उठा लो। मैं तुम्हें ना अभी कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? अभी वेट कर। क्या है? गांव में कभी गोबर नहीं उठाया अपने हाथों से? यहाँ के नखरे हो जाते हैं। देखो तो सही, कितनी गंद पड़ा है। इधर से भी देख लो। इधर से किसी और ने आके देखना है। अजीब बात है भाई। अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से कोने अच्छी तरह से साफ करो सारे। चलो बस करो, छोड़ दो, बच्चे भी आ गए हैं, अब छोड़ दो, बस करो, बस बहुत हो गए। चलो गाड़ी में से बैग वगैरह निकालो, चलो आ जाओ। अरे क्या या आते ना बस, अरे मेरे हाथ तो सुनो, क्या क्या, अरे 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 बस 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 मेरे बच्चे, बस बस मेरे शहजादा, चलो इसको बंद करो, इसको बंद करो, चलो चलो। नहीं छोटा भाई, ना 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 ना, मैंने आप लोगों के पसंद का खाना भी, बस ना, तुम खड़े क्या कर रहे हो, बैग निकालो। अरे साधिया, उठो उठो साधिया, हमने भागना है, हमने भागना है, अभी उठो। हिम्मत नहीं हो रही साधिया, अभी आखिरी दफा हिम्मत कर लो, उठो, पाँव नीचे रखो, चलो 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 चलो, उठो, खड़ी हो, जूता पहनो। साधिया सिर्फ आखिरी दफा हिम्मत कर लो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक मिनट, ये रुकना, ये रुकना। बिल्कुल गवारा, कहना कहना स्विमिंग पूल को समझ रहा था कि ये बेचारा कोई लेक है, तो वहाँ जाके कपड़े धोना शुरू हो गया। सो नाइस पार्टी। सुबल और वो सादिया किधर है? मुझे क्या पता, मैं डायरेक्टरी हूँ, मैंने सबके पते रखे होंगे। जा अंदर देख ले। साथिया भाग, ग्राम ग्राम। मैंने ना पहले ऐसी तुझे इतना कुछ गुस्से में बोल दिया, वो दिमाग ही बिल्कुल खराब हो गया। वो सुंबल ऐसी मुसीबत डाल देती है ना कि बिल्कुल। कोई गल नहीं, हो जाता है, बंदे से हो जाता है। हाँ लेकिन बात सुन, बुरा तो नहीं लग गया ना? तो दिल च ना रखी। अरे सवेरा बाजी, कोई मारा तो पुराना साथ नहीं, नहीं, हो, हो, हाँ, कोई गल नहीं, कोई बुरा ना मानी। नहीं नहीं बुरा नहीं।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? हाँ, वो एक बहुत ज़रूरी बात करना थी, इसलिए कॉल किया था। यार, ये मेरे घर के साथ वाले घर में एक फैमिली रहती है, वहाँ एक बच्चा है, कुछ तकरीबन 11 या 12 या 13 साल का होगा मैक्सिमम। घर के कामों के लिए शायद उन्होंने रखा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँगा कि घर के सारे काम वही बच्चा करता है। चाइल्ड लेबर का केस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। मैं खुद जाऊं, उन लोगों से बात करूं या क्या करूं? थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। उस बच्चे को मैं जो काम करते देखता हूं और जैसा जुर्म उसके ऊपर हो रहा है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बस बेटा, हो गई सफाई। जाओ जाके बच्चों के कमरे की सफाई करो। जाओ। ये देख रही हो तुम नया तमाशा क्या हो रहा है? उस बेचारी औरत को कैसे बदनाम किया जा रहा है? कहीं से उठा के तो नहीं लाई होगी ना? खुद रखवाया होगा इन्होंने। यही हाल है। अब आप जमशेद को ही देख लीजिए, पूरे 50,000 रुपये मैंने दिए और कल ही एक लैंप तोड़ दिया। आज सफाई वाली नहीं आई तो मैंने कहा कि घर की सफाई कर दो, लेकिन मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, सारा ध्यान टीवी की तरफ। इसीलिए मैंने उसको भेजवाया है कि वो टीवी बड़े गौर से देख रहा था। वैसे क्या उम्र होगी इसकी? वो बाबा तो कह रहा था कि 15 साल के। आपको पता तो है, गाँव में खाने पीने के मसले मसाइल रहते हैं। कह रहा था यहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा, कद भी निकल आएगा। फिर भी तुम बहुत होशियार रहना, आजकल ये घर घर रवाज हो गया मोमबत्ती वाली आंटियों का। अगर ये कोई भी कहीं से भी निकल आई ना तो होश आ जाएंगे। अल्लाह गारत करे मोमबत्ती वाली आंटियों को। जिस गरीब के घर में 15-15 बच्चे हैं, वो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, इन बच्चों को कहाँ से पालेंगे? अब हमारे घरों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और तो और हम उनको पैसे भी देते हैं, फिर भी इनके नखरे हैं, वो भी नहीं सांस लेते। चाय दो मुझे। हाँ। आप सो जाते सुबह, वरना मुश्किल होगी उठने में, नींद पूरी नहीं होगी आपकी। यार मैं अभी मसरूफ हूँ जरा। दूध रखा है, पी लें? ठीक। मुझे भी असल में जोड़ा सीने जाना है। सलमा आपा क्या एक फंक्शन है, कह रही थी हल्का सा जोड़ा सी लेना। हाँ तो जाओ। Allah'a emanet.
मैं पहले पहुंचूंगा। पीछे कौन है? भाग रही थी? कुछ नहीं, वो हम बैठे हुए थे सर। बैठे हुए थे यहाँ नीचे छुप के। अब जो भी ड्रामा कर रहे थे पकड़े गए हो। सामने नाका लगा हुआ है। आराम से रिलैक्स होकर बैठो। चलो चलो उठो जल्दी जल्दी उठो। तेरे अब्बू को पता तो नहीं चल जाएगा? अब्बू तो सो रहे हैं, हम पता ही नहीं लगने देंगे। मैं तो डर ही गई थी, दिल धक धक कर रहा है मेरा, ये देखो। चलो चलो जल्दी लाओ। ये नहीं, तो अबू से झूठ बोल के आई हूँ मैं। वो कुछ काम कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक जोड़ा सीने जाना है। एक तुम लोगों की वजह से मुझे जो झूठ बोलने पड़ते हैं ना, बस अब ये मत कहना कि अबू की वजह से झूठ बोलना पड़ता है। खोल देना। खैरियत है? या वैसे तो यहाँ अक्सर कोई नाका नहीं होता। ऊपर से ऑर्डर था, क्या करें। तो तलाशी वगैरह क्या चाहिए सर? आपको क्या देखना है, आप जाएं। चलो, वैसे ये ऑर्डर था किसका? ये बड़े साहब का ऑर्डर था। बड़े साहब का या बहुत बड़े साहब? तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेते हो, किसने सिखाया? बस खुद ही। हमारे गांव में ना एक मास्टर था, कभी भी मुझसे खुश नहीं हुआ। पता है, जब मैं इतना अच्छा सबक याद करके जाता था ना, तब भी मुझ पर गुस्सा करता था। और पता मुझे क्या बुलाते थे? क्या? मसला फीस है गौरस। और छोटी छोटी बात पे मुर्गा भी बनाते थे। मुर्गा? मुर्गा कैसे बनते हैं? तुम दोनों को मुर्गा नहीं बनना आता? नहीं, मैं तो रोज मुर्गा बनता था। अरे बन के दिखाना, कैसे बनते थे मुर्गा? हाँ भाई, बन के दिखाना। पता है, मुर्गा बने ना तो रोना भी आता है, क्योंकि बेइज्जती हो रही होती है ना। मुर्गा बन के बेइज्जती कैसे होती है? मैं बन के दिखाता हूँ। ये क्या है? ये मुर्गा है। हाँ? हम भी बनते। आ जाओ ऐसे। नहीं, हाथ नीचे से लेकर आओ। हाथ नीचे से ऐसे करना ना। हा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 ह
साहब आप और इस वक्त वो तालीफ। काजी साहब, बुजुर्गों से सुना था कि शर्फा कभी दस्तक नहीं देते, हमेशा ताली बजाते हैं। अगर दरवाजा खुल गया तो ठीक, वरना दस्तक देकर बेइज्जती करवाने का फायदा। हजरत आप भी कमाल करते, तशरीफ लाइए ना, आपका अपना घर है, आइए आइए तशरीफ लाइए। काजी साहब क्या बताएं आपको, यकीन कीजिए जब से आपकी भाभी साहबा का इंतकाल हुआ है ना, हमारा घर तो हमें काटने को दौड़ता है। आज तो कुछ ऐसी वहशत सी हो रही थी कि दिल घबरा सा गया। हजरत आप आज रात यहीं कायम क्यों नहीं कर ले? अरे नहीं नहीं काजी साहब, कहाँ तक तकलीफ देंगे हम आपको, बस अब हम आ गए हैं तो थोड़ी देर आपके पास बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, दिल का हाल हल्का करेंगे और चले जाएंगे। नवाजिश आपकी। हजरत आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, ऐसे आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह काजी साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने, यकीन कीजिए आपने तो ये बात करके हमारा दिल ही जीत लिया है। हमारे दिल में भी यही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किससे करें शादी। भाई जिससे भी रिश्ते की बात करते हैं तो बदले में अधेड़ उम्र, बेवा, दो बच्चों की माँ का रिश्ता आता है। अब आप ही बताइए, बुजुर्ग ऐसे तो नहीं कह के गए औरत बीसी और घीसी, मर्द साठा और बाटा। जी जी ठीक कह रहे हैं आप। अब आप ही बताइए, अगर हम इस उम्र में शादी करें तो फिर किसी छोटी यानी कि कम उम्र लड़की से करें ना, जिसकी हंसी और खुश मिजाजी से हमारा दिल लगा रहे। अब किसी बुढ़िया से करेंगे तो वो तो अपनी छींकों से, अपने डकारों से, अपनी खांसियों से हमारा दम ही घोट देगी। भाभी साहिबा तो सो गई होंगी, बच्चियां भी, बच्चियों का तो उम्र ये ऐसी है, कम उम्र की उम्र की नींद। जी वो अहलिया तो मेरी कोई कपड़े वपड़े कोई सी रही थी और बच्चियां सो गई, मैं आप ही की बात पर गौर कर रहा था अभी इस वक्त। ना चाहते हुए भी हमें आपके बावर्ची खाने तक चला पड़ेगा। रुको, रुक। We'll be right back.
आज मैंने सारी सफाई कर ली। मैंने कुत्ते की जगह भी साफ कर दी, टेरेस भी धो दिया और पोछा भी लगा दिया। अब मैं ये तस्वीर बना लूँ तो आप दोनों मुझे ये कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे? हाँ सिखा देंगे, जल्दी से पहले काम करो। हाँ हाँ जल्दी करो, मेरा भी करना है। ठीक है, शुक्र है मैं आप दोनों के पास आ गई। आप दोनों कितने अच्छे हो। गांव में तो मास्टर था और वो बाबा आदर पादर भी थे वहां पे। और तुम यहां घुसे बैठे हो, बाहर गमला किसने तोड़ा है? चलो मेरे साथ उठो। रेसलिंग देखनी है। चलना जरा। हाँ हर वक्त की ना कोई ना कोई। ये देखो ये किसने तोड़ा है? हाँ तुम्हें पता भी है कि कितना महंगा पौधा था? बताओ तुमने तोड़ा है ना? बाजी मैंने नहीं तोड़ा। तूने नहीं तोड़ा तो फिर किसने तोड़ा है? झूठे मकार आके से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो जो तुम्हारा बाबा है ना 50,000 लेके चलता बना और तू जो 50,000 से ज्यादा के नुकसान किया जा रहा है, कौन भरेगा? तेरा बाप है? बुलाती हूँ उसे आज ही मैं बुलाती हूँ। और तेरा तो मैं उससे ना आज ही जान छुड़वाती हूँ। करती हूँ मैं उसे कॉल। अब क्या लेटा हुआ है? क्या लेटा है? उठा इसको। आज बहुत हंगामा आना है कोठी में। क्या बात? कुछ नहीं, सोच रही हूं कि तुम हमेशा गलत जगह पे सही वक्त पे कैसे पहुंच जाते हो। किस्मत देखो बेचारियों की, छुपी भी तो आंटी के लाडले की गाड़ी में। अगर लाडले को बता के छुपती तो शायद बच भी जाती। इस कोठी का मसला ये है कि यहां के हर एक फर्द को किसी पे भी एतबार नहीं। एतबार? तो तुम पे एतबार किया जा सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़े बंदे भुगताए मैंने, 5 मिनट में खुल के आ जाते हैं सामने। चलो 6 मिनट। लेकिन तुम्हारा केस नहीं मुझे समझ आता। आंटी के साथ हाथ पे हाथ मार के जब हंसी मजाक कर रहे होते हो तो कुछ और होते हो, फिर जब मैं करीब से देखती हूं तो कुछ और लगता है। हो कौन तुम, क्या हो? तुम क्यों नहीं भागी? फिर वही हरकत,
हाय जुल्फी, जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कोई सवाल पूछती हूँ तुम उल्टा मेरे से ही सवाल पूछ लेते हो, क्यों भला? क्योंकि मेरा जवाब तुम्हें मजीद उलझा देगा, परेशान कर देगा। और तुम्हारी जिंदगी में कौन सा इतना सुकून है कि मैं मजीद परेशान कर दूं? ट्राई तो करो। चाय पियो। सरकारी अफसर के हाथ की चाय है भाई, उठ के पीनी पड़ेगी एहतराम के साथ। आराम से, कुछ नहीं। अरे बेड़ा ही गरक हो जाए तुम लोगों का, खास तौर पे तेरा। भागना है मैंने, भागना है मैंने। अरे कहाँ भागना है? ठीक है। मैडम, मैडम, मैडम क्या हुआ? मैडम कॉन्वेंट टूटू को फोन करो, मैडम को किसी ने जहर दे दिया है। कॉन्वेंट टूटू को फोन करो जल्दी। जी 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 जी, साथिया साथिया निकल जा। आंटी मर गई है, इकराम हमारा क्या हाल करेगा, निकलना हमें। बैठो, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मेरा रास्ता